else in today's video, I'm going to be sharing with you my empties, like makeup empties, makeup product, which is almost khatam hone wala, actually not khatam ho gaya hai. And I cannot think of, stay without all this. These are all my essential things that I need in my daily makeup. No matter if I buy new makeup or not, but I need these things in my makeup vanity. So let's just get started with the video now. Okay. तो फर्स्ट थिंग जो ख़त्म होने वाला है वो है ये वॉत्रिका सीरम. ये वॉत्रिका सीरम मैंने पहले यूज़ नहीं करती थी क्योंकि आई वॉज नॉट अ बिग फैन ऑफ मॉइस्चराइजर. बट देन आफ्टर माई एलर्जी व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग मॉइस्चराइजर, गाइज आई एम लविंग इट. आई सो लव इट. मैं क्या बताऊँ आपको, ये इतना अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, इतना अच्छे से एक वाटरी कंसिस्टेंसी इसमें, कितना अच्छे से ये अब्जॉर्ब हो जाता है. और सबसे बढ़िया बात है, अगर ये आप अप्लाई करने के बाद मेकअप अप्लाई करते हो ना, तो कोई लाजवाब, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना लाजवाब रिजल्ट होगा, इतना फ्लॉलेस मेकअप आपको मिलेगा कि मैं आपको क्या बताऊँ. आई रियली लव वेयरिंग दिस एंड देन आई अप्लाई मेकअप बिकॉज दैट गिव्स मी अ फ्लॉलेस बेस एंड आई लव दिस मोर बिकॉज ऑफ दैट. सो दिस इज़ गोना बी एम्प्टी सून और मैं खरीदने वाली हूँ. अनदर थिंग दैट आई मे नॉट बाय दैट इज़ वेटो वाइल्ड आईब्रो फिलर. ये एक ब्राउन कलर का आईब्रो फिलर है. Exactly not brown. I am not happy with the pigmentation it has. ये थोड़ा उतना I do not know, ये उतना अच्छे से cover up नहीं करता है मेरे eyebrows को उतना अच्छे से, अगर I feel कि somewhere मेरा eyebrow थोड़ा उबर खबर है तो उसको hide करने के लिए आपको एक अच्छा pigmented eyebrow चाहिए होगा, जो कि मुझे इससे नहीं मिलता है. That is why I'm not gonna be buying it. But I really love the spoolie. I guess you call it spoolie. I love that because बार बार brush करने के बाद फिर draw helps in giving some shape to my eyebrows. So yeah, that is second one. The third one is this one. ये पूरा आप देख सकते हो almost ख़त्म होने वाला है. तो ये Dream Touch Blush Maybelline का ब्लश है. इन द शेड आई थिंक इट इज़ 06. अनफॉर्चुनेटली ये मैं नहीं खरीद सकती क्योंकि अब ये मार्केट में नहीं है, और अगर है तो इसका प्राइस आसमान जैसे ऊंचाई पे है. 3,000-3,500 का मिल रहा है, जो कि मैंने 600 रुपये में ख़रीदा था क्योंकि ये मार्केट में तो चला नहीं. मुझे नहीं पता क्यों नहीं चला, मैंने खुद अभी भी अप्लाई किया है. आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा एक हाईलाइटेड वाला ब्लश है. आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा ग्लो करता है ये लगाने के बाद. आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस बट Unfortunately, I cannot able to buy it right now because it's too expensive right now. क्योंकि ये मार्केट में चला नहीं है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है. आई लव वेयरिंग क्रीमी ब्लश. इट गिव्स मी दैट आई डोंट नो दैट ग्लो ऑन माई फेस एज वेल एज दैट लाइट पिंकिश पिगमेंटेशन. आई लव दैट फैक्ट अबाउट दिस. मैंने बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है. आई डोंट नो वट टू डू. सो या दैट्स दैट. The next thing is this BB cream, जो कि ख़त्म होने वाला है और मैंने इसका ढक्कन भी कहीं खो दिया है. तो ये जो BB cream है, मैं हमेशा BB cream यूज़ करती हूँ. Lakme 9 to 5 का BB cream यूज़ करती हूँ इन द शेड हनी. तो ये हनी वाला जो शेड है थोड़ा येलोइश शेड है, तो और यही मुझे सूट करता है और कोई बाकी का सूट परचेस करता नहीं है. आई लव दिस एंड इट आई अप्लाइड वेन आई डोंट फील लाइक अप्लाइंग फाउंडेशन. And yes, that is all. Other than that, do I buy it? Yes, I will definitely buy it. Whenever I run out of my BB cream, I only go for this one. I haven't found any other BB cream जिसको मैं खरीदना चाहूँ. तो इसी वाले से मैं, और ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है, मेरे पास वाले दुकान में मिलता है, तो आई डोंट हैव टू रश हियर हेयर एंड देयर. सो आई ऑलवेज प्रेफर दिस एंड आई एम गोइंग टू बाई दिस वेन दिस इज गोइंग टू बी टोटली फिनिश्ड. Definitely I'm gonna buy this one again. One thing that I will may not buy, that is this. It is iconic curling mascara by Lakme. Why I won't buy this is because it is not waterproof. I feel even if it, I do not think it's waterproof. कि जब भी मैं लगाती हूँ आँख में, जब पानी वानी जाता है या फिर पानी वानी छोंकती हूँ, तब जो है मस्कारा पानी जैसा निकल जाता है. Do not like I hate this thing. जब मस्कारा पानी जैसे निकल जाता है ना, hate that thing.
I just hate it. So I may not buy it. May not. I will not buy it. For sure. Waterproof नहीं है. बहुत अच्छा कर्ली लैशेस नहीं देता जो कि ये क्लेम करता है. नहीं, आपको नॉर्मल एक मस्कारा वाला लुक देगा, लेकिन कोई कर्ली आई लैशेस वाओ नहीं. जो मेबिलिन वाले से होता है वो इससे नहीं होता है. एंड आई डेफिनेटली गो फॉर मेबिलिन वन एंड नॉट दिस वन. और सबसे आप मुझे कर्लिंग वाला एकदम अच्छा वाला अगर आप मुझे आई लैश नहीं दे पा रहे हो चलेगा, लेकिन जब पानी छोंकती हूँ तो काला काला पानी निकलेगा. Not a big fan of those things. Definitely not gonna buy it. Thing I will definitely wanna buy it is Bella Vostica Lip Perfect Gloss in the shade 04. तो ये almost ख़त्म हो चुका है, फिर भी मैं इसको ऐसे 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 करके निकाल निकाल के लगाती हूँ. I love this. I got it from Glamico Box. But ये जो है मैं definitely करने वाली हूँ. ये आपको ना एक अगर आपको लिपस्टिक नहीं पहनना बस ये वाला पहन लो, you're done. अगर आपको चाहिए एक थोड़ा न्यूरिश पिंकिश लुक वाला लिपस्टिक एंड यू डोंट हैव दैट शेड, आप इससे क्रिएट कर सकते हो. एक न्यूड कलर का लिपस्टिक लगाओ, उसके ऊपर ये लगाओ, तो आपका एक पिंकिश टोन वाला न्यूड आ जाएगा. लेकिन ऑब्वियसली इट ग्लॉस डेफिनेटली नॉट गिव यू दैट मैट फिनिश. तो ये आपको ग्लॉस फिनिश देने वाला है. बट वॉट एवर इट इज़, आई एम टोटली इन लव विद दिस लिप ग्लॉस. आई एम डेफिनेटली गोना बाय इट. सो ओ यस, दिस दैट वाज नॉट द लास्ट रूल फॉर गॉड. द लास्ट थिंग इज दिस, इट इज आई लैश ग्लू, ए वाटर प्रूफ आई लैश अधेसिव ग्लू. दिस हैज नो ब्रांड आई गेस, इट्स जस्ट अ लोकल ब्रांड एंड आई एम लविंग यूजिंग इट गाइस. इट जस्ट बिना, अगर आप एक बार लगा लो ना आई लैशेस इससे, अगर आप एक बार इससे आई लैश लगा लो तो वहीं पे चिपका रहेगा बहुत समय तक. ऐसा भी होता है निकल आता है, बट कभी कभार नॉट ऑलवेज. और इसका प्राइस 100 रुपये है, तो ऑब्वियसली आई एम गोना बाय इट, क्योंकि ये 100 रुपये में जो काम और जो काम कर देता है ना, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट. एंड ये ख़त्म होने वाला है, सो या आई नीड टू बाई वन एंड दैट इज ऑल आई हैव टू शो यू गाइज. So yeah, I hope you guys enjoyed this video, and if you did, then do not forget to subscribe to my channel, like this video and share it, and I'll be catching you guys on my next video. Till then, take care. Bye.